हम बनाएंगे सूजी से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ली है, जो बारीक वाली सूजी होती है वह मैंने यहाँ पे ली है। 2 बड़ा चम्मच हम दही का यूज़ कर रहे हैं और आधा कप पानी। बस अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी यहाँ पे अच्छी तरीके से फूल जाए। तो चलिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सूजी फूल चुकी है। अब कुछ वेजीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च चॉप करके ली है, कुछ धनिया पत्ते चॉप करके डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी। वेजीज आप आपके इच्छा अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो, जैसे गाजर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है। बस अच्छा सा मिक्स करना है और ये देखिए आप बैटर की कंसिस्टेंसी, बैटर किस फॉर्म में मैंने रेडी कर, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब इस तरीके से मैंने स्टीमर यहाँ पर रेडी करके रखा था, ऊपर से ये जाली वाली मैंने प्लेट ली है और थोड़ा सा बस हम ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और जो बैटर हमने यहाँ पे बनाया था बस वही बैटर हम यहाँ पे फैला लेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे बैटर का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। बस अच्छा सा मैंने यहाँ पे फैला लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम होने दूंगी। तो चलिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, बस अब हम इसे इस तरीके से टर्न कर देंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस इसे अब यहाँ पे 1 मिनट तक ही हमें स्टीम करना है। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छा सा यहाँ पे स्टीम भी हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद में इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो ये देखिए इजीली इसके कट लग रहे हैं, मीन्स ये अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टीम हो चुका है। तो ये देखिए ईजीली निकल भी गए हैं, तो ये देखिए लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसे ऐसे भी यहाँ पर खा सकते हैं यदि आप कुछ हेल्थ कॉन्शियस है। तो अब हम इस पे अच्छा सा मसाला एक कोट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवे पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 1 चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, कुछ मसाले यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 चम्मच के समथिंग। बस अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना, नहीं तो हमारे मसाले यहाँ पे जल जाएंगे। बस हल्का सा आप फ्राई कर लें और इसे बस अच्छा सा यहाँ पे फैला लें पूरे तवे पे आप। और जो पीसेस हमने यहाँ पे बनाए थे बस वही पीसेस हमें यहाँ पे रखने हैं और अच्छा सा मसाला इन पे कोट करना है। तो बस 1 से 2 मिनट आप रखें बस यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं रखना है हमें इसमें। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बस आप इसे टर्न कर लीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा मसाला यहाँ पे हम इस पर कोट कर लेंगे। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आपको इसके लिए ना ही सॉस की ज़रूरत है ना ही चटनी की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ऊपर से हमने हरा धनिया इसमें डाल दिया है और ये रेडी है हमारा नाश्ता, इंस्टेंट सब बनने वाला नाश्ता। तो चलिए